हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही कॉमन टॉपिक जो कि है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। अब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का मीनिंग क्या होता है, सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ। देखिए, जो पुरुष होते हैं मतलब जो मेल होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड होती है, तो ऑब्वियसली वो फीमेल में नहीं होती है, मतलब कोई भी फीमेल में वो नहीं होगी, मेल में ही मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि या फिर पौरुष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो ग्रंथि होती है, जो ग्लैंड होती है, उसका साइज एक अखरोट के जितना होता है। अब इसका साइज धीरे धीरे बढ़ जाता है, इसी को हम बोलते हैं एनलार्जमेंट, मतलब किसी चीज का बढ़ जाना। अब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट मतलब जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, वो बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में मेनली हम बात करेंगे कि जो, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा हमें तो इसके बारे में हम कुछ भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या है, मतलब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे कॉजेज क्या है, मतलब कारण क्या होते हैं, किन की वजह से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है, क्या इसकी वजह से फ्यूचर में चल के कैंसर बन सकती है, इसको भी हम जानेंगे। एंड लास्ट में हम समझेंगे कि क्या इसका ट्रीटमेंट संभव है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझते हैं, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है, इसको भी समझेंगे बाद में, राइट, कि बीपीएच क्या होता है। तो देखिए, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने बनाया है, इस तरीके से बनाया है ताकि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये डायग्राम को अगर बहुत अच्छे से समझना है तो आप मेरा स्पेशल जो लेक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी विद मी एकता के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से बनाया है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, मतलब इसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। यूरिन आता है नलियों से एंड इसके अंदर इकट्ठा होता रहता है, राइट। अब इससे जो जुड़ी हुई ये जो है, ये ट्यूब जैसी आपको दिखाई दे रही है, इसके थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। ये क्या है, यूरिथ्रा होती है, ठीक है, यूरिथ्रा, इसके थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब जो प्रोस्टेट होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो मैंने जो ब्लू कलर से बनाया है, इससे जस्ट नीचे जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, तो ये होती है प्रोस्टेट। ये एक इस तरीके से कट किया हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें आपको ये ट्यूब अच्छे से क्लियर नजर आ रही है। एक्चुअल में जब हम इसको जूम करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है, नॉर्मल ये इस तरीके से दिखाई देती है। इसका जो ये जो प्रोस्टेट है, ये इसको पूरी तरीके से जकड़े हुए होती है, इस तरीके से उसके सराउंड कर लेती है, मतलब ये जो ट्यूब है जिसको हम यूरेथ्रा बोल रहे हैं, जिसके थ्रू स्पर्म भी बाहर जाते हैं एंड यूरिन भी बाहर निकलता है, ठीक है। जो यूरिन यहाँ पे इकट्ठा होता है वो इसी रास्ते से बाहर निकलता है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसको इस तरीके से कवर रखती है, तो मतलब इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, वो होता है डोनट जैसा, डोनट्स आपने खाए होंगे, ठीक है, इस तरीके से इसका शेप होता है। आप देख सकते हैं जो मैंने बनाने की कोशिश भी की है, ऐसा इसका शेप होता है, मतलब पूरी तरीके से सराउंड रखती है इस ट्यूब को, राइट, मैंने ये वाला पोर्शन यहाँ पे दिखाया है। अब आप समझेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों होती है ये प्रोस्टेट। तो जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है वो क्या करती है, जो मैन के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, इंटेस्टिस में बनते हैं, तो इनको लाने के लिए अलग से ट्यूब है, ये बाद में इसी में आके मिल जाती है, ठीक है। तो जो स्पर्म्स आते हैं उसमें बहुत सारी ग्लैंड्स क्या करती हैं, अपनी सिक्रेशंस डालती हैं, मतलब अपना लिक्विड डालती हैं, जिनकी वजह से वो स्पर्म आसानी से तैर सकते हैं, उनको खाना भी मिलता है, ठीक है। तो उनको बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड भी इनकी वजह से ही मिलता है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये भी अपना सिक्रेशन इसके अंदर डालती रहती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट होती है, समझ में आया इतना। अब हम इसको देखते हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैंने बना दिया, तो एक्चुअल में इसकी शेप इस तरीके से होती है प्रोस्टेट की, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता रहता है, नॉर्मल शेप ये है, ये यूरिथ्रा है, ठीक है, जिसकी वजह से ही क्या, इसमें से ही क्या करता है, फ्लो करता है यूरिन एंड बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखो, ये मैंने क्या बनाया है, जैसे ये है, इसको हम इस तरीके से कट कर दें, अगर हम इस तरीके से इसको कट कर देते हैं तो हमें ये अच्छे से दिखाई दे रही है कि ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोस्टेट है, आराम से इसमें से जो यूरिन है वो पास हो सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो मैंने बनाया है एनलार्ज प्रोस्टेट, अब इसमें क्या है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है तो ये साइज में बढ़ जाती है, देखो एनलार्ज हो गई। जैसे एनलार्ज होती है तो क्या होता है, ये इधर भी फैलता है एंड ये जो इसका देखिए इनके बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इसके और इसके बीच में जो स्पेस है, तो ये इसकी वजह से आराम से यूरिन पास हो सकता है। ये जो ट्यूब है, जो यूरिथ्रा है, इसको इसने दबाया नहीं है, आराम से यूरिन पास हो रहा है। लेकिन जैसे इसका साइज बढ़ता है तो ये जो स्पेस है ये कम हो जाएगा एंड ये इसको पूरी तरीके से दबा लेगी, ठीक है, बहुत ही कम स्पेस बचेगा। तो अगर हम इसको काट के देखें तो इस तरीके से ये दिखाई देगी, इसमें बिल्कुल क्लियर है ये यूरिथ्रा जहां से यूरिन निकल रहा है। बट ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल ही थोड़ा सा रास्ता बचा है जिसकी वजह से यूरिन आराम से नहीं निकल सकता, ठीक है, यूरिन को पास करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो ये होती है एनलार्ज प्रोस्टेट, ये नॉर्मल है, ये एनलार्ज है, इसका साइज बढ़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं डोनट को, जो डोनट होता है तो उसको अंदर से भी आप फिल कर दीजिए एंड बाहर से भी उसको थोड़ा सा फैला दीजिए, तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ऐसा बनने के बाद मतलब उसको पूरी तरीके से सिकोड़ लेगा इसके अंदर जो ट्यूब होगी उसको, तो देखिए इसका जो रास्ता है बहुत ही संकरा रास्ता बच गया, मतलब बहुत ही थिन सी इसकी जगह बची, कोई स्पेस नहीं बचा है, तो थोड़ा थोड़ा यूरिन इसमें से निकल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब हम समझते हैं कि इसके लक्षण क्या है, मतलब इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके अंदर यूरिन भरा हुआ है, राइट, तो जो नॉर्मल है उसमें तो आराम से यूरिन बॉडी से बाहर पास कर दिया जाएगा, समझ पा रहे हैं इस चीज को, आराम से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन एनलार्ज जो जिसके अंदर हो चुकी है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो क्या होगा, ये जो प्रोस्टेट है वो इस तरीके से दबा दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, प्रोस्टेट है एंड इसके अंदर से क्या है, ये ट्यूब है, ट्यूब, तो जब इसका साइज बढ़ता है बाहर से भी एंड अंदर से भी इस तरीके से इसको सिकोड़ लेती है, जिसकी वजह से इसके अंदर का स्पेस बहुत कम हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो यूरिन है जब इसको पास करेगा तो बहुत ही कम यूरिन आएगा एंड बहुत धीरे धीरे यूरिन आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि यूरिन का जो फ्लो है उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, ठीक है। पहली बात तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, ये एक मेन लक्षण है, बहुत ही धीरे धीरे से यूरिन आता है इसमें से, देखिए कितना कम स्पेस बचा है, तो बहुत ही धीरे धीरे से यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है। दूसरा, जब वो यूरिन करना स्टार्ट करता है, जब वो जो भी पेशेंट है जैसे ही यूरिन करना स्टार्ट करता है तो उसको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। दूसरी बात, उसको इजैकुलेशन में भी पेन होता है, जब भी वो इजैकुलेट करने की कोशिश करता है, मतलब सीमन को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, तो भी उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि ये जो रास्ता है वो बहुत ही सिकुड़ चुका है, ठीक है। ये भी एक ग्लैंड होती है, ये अपने सीक्रेशन इसमें डालती है, तो समझ पा रहे इस चीज को, उसको बहुत पेन होता है। एंड में जब जैसे यूरिनेशन के एंड में यूरिन खत्म हो गया है, उसके बाद भी बूंद बूंद करके यूरिन आता रहता है। और सिम्टम की हम बात करें तो इसमें बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है, मतलब यूरिन को पास करने की इच्छा होती है, लेकिन ऐसा उसको हमेशा ऐसा फील होता है कि जो यूरिन है यूरिनरी ब्लैडर में भरा हुआ है, वो खत्म ही नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए वो बार बार यूरिनेशन के लिए जाता है। किसी किसी में ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा भर जाती है कि यूरिन लीकेज होना शुरू हो जाता है। कुछ जो मेल होते हैं जो कि जो बहुत ही ओल्ड एज हो जाते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आम हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा परसेंट में बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको रात में बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा यूरिन बाहर निकलता है और उनको पेन भी होता है, ठीक है, एंड उनको ये पता ही नहीं चलता है कि यूरिन बाहर बॉडी से निकल रहा है, क्योंकि थोड़ा 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 यूरिन उनको हमेशा निकलता रहता है, ओके, तो इसलिए उनको यूरिन जो लीकेज की प्रॉब्लम है वो भी हो जाती है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये एक मेनली प्रॉब्लम होती है। अब देखो इसकी वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे यूरिन अगर अच्छे से बाहर नहीं निकलता है तो उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें स्टोन्स बन जाते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, किडनी स्टोन बन जाते हैं, मतलब जो किडनी है उसमें भी स्टोन बन सकता है, या फिर जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर स्टोन्स बन जाते हैं, ठीक है, पथरी बन जाती है। ये जो ट्रैक है, मतलब जो रास्ता है, ये जो ट्यूब वाला रास्ता है, इसमें इंफेक्शन हो जाता है,
किसी किसी को ब्लड आना भी शुरू हो जाता है कि जब भी वो यूरिनेशन करता है, मतलब यूरिन को बॉडी से बाहर निकालता है, तो उसके साथ ब्लड भी आता है, तो ये एक इन्फेक्शन हो जाता है। साथ में यहाँ पे क्या हो जाते हैं, स्टोन्स हो जाती हैं, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। अब हम समझते हैं इसके कॉजेज क्या हैं, इनके कारण क्या हैं। तो कारण क्या होते हैं, मेनली जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एजिंग भी एक बहुत बड़ा इसका रोल प्ले करता है, कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो प्रोस्टेट है उसका साइज भी बढ़ता है। अब ये जरूरी नहीं कि सबको ही हो जाए, लेकिन बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम जब तक ये ओल्ड एज में पहुंचते हैं उनको हो ही जाती है। तो अगर मैं डेटा की बात करूं तो जो 40 इयर्स के अबाउट जो 40 इयर्स हैं इनमें ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। किसी किसी में 40 इयर्स के होते हैं उनमें चांसेस होते हैं 40% चांसेस हैं कि किसी मेल में ये प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, जो 60 इयर्स के हैं या फिर इससे थोड़ा अबाव है तो उनमें चांसेस होते हैं 60% चांसेस हैं कि उनको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाए। ठीक है, जो 80 इयर्स के अबाउ हैं, 90 इयर्स के हैं, तो उनमें तो 90% चांसेस होते हैं कि उनमें प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाती है, समझ में आया। तो ये बहुत ही कॉमन तरीके की प्रॉब्लम है, जो जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ता है एंड ये प्रॉब्लम ओल्ड एज तक हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है सभी को होती है, बट कुछ लोगों को हो जाती है, जो कि मैंने एक डेटा आपको दिया है। अब देखिए एक और कारण है, साइंटिफिक रीजन भी मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। अब हम हार्मोनल लेवल पे बात करते हैं कि हार्मोन्स भी कहीं ना कहीं कारण होता है इसके एनलार्जमेंट में। तो देखिए जो मेल हार्मोन होता है, मेल हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है, तो ये मेल की बॉडी में ज्यादा बनता रहता है। ठीक है, तो ये ज्यादा अमाउंट में बनता है नॉर्मली, एंड थोड़ी मात्रा में मतलब स्मॉल अमाउंट में क्या बनता है, एस्ट्रोजन, जो कि क्या है, फीमेल हार्मोन है, जो कि एक फीमेल की बॉडी में बनता है। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल हार्मोन दोनों ही इसकी बॉडी में चलते रहते, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है एंड एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा चलता रहता है, बट क्या होता है जैसे जैसे जो मेल है जिसकी एज बढ़ती है तो इसका लेवल कम हो जाता है, इसका लेवल डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है टेस्टोस्टेरोन का लेवल। तो ऑटोमेटिक ये मतलब ये उसका लेवल वैसे कम है, लेकिन ये ऑटोमेटिक कम हो गया है एजिंग की वजह से, ये उसी लेवल में है, तो इस लेवल में थोड़ा गड़बड़ होने की वजह से भी क्या हो जाएगा, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये जो प्रोस्टेट है उसमें कोशिकाएं होती हैं, तो कोशिकाएं बढ़ने लग जाती हैं। ठीक है, उनमें एनलार्जमेंट होना शुरू हो जाता है, मतलब तेजी से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो होगी हॉर्मोन्स की बात। अब समझ में आया इसके कारण मेनली यही होते हैं, ज्यादातर इसकी एजिंग की वजह से होता है एंड हार्मोनल लेवल पे जब चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब हम ये समझते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो प्रोस्टेट अगर एनलार्जमेंट हो गई है, कुछ इसको प्रोस्टेट स्वेलिंग भी बोलते हैं, बट एक्चुअल में स्वेलिंग नहीं होती है, ये एक साइज बढ़ जाता है, स्वेल नहीं होती है, स्वेलिंग का मतलब सूजन होता है, सूजन नहीं होता है, ये क्या होता है, इसका साइज ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए BPH का मतलब समझते हैं आप, एक इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में क्या है कि अगर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो गया है किसी को तो उसको कैंसर होने की संभावना होती है, प्रोस्टेट कैंसर, जो कि मेल में बहुत ही ज्यादा ये कैंसर होता है। बट मैं आपको क्लियर कर देती हूं कि ये जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता है। देखिए इसका BPH नाम क्यों रखा गया है, BPH का मतलब होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। ठीक है, अब देखो बिनाइन का मतलब ही क्या होता है, बिनाइन का मतलब होता है नॉन कैंसरस। ठीक है, नॉन कैंसरस, राइट, तो कैंसर तो इसके अंदर हो ही नहीं सकता। नॉन कैंसरस प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है एनलार्जमेंट। ठीक है, नॉन कैंसरस प्रोस्टेट, इसका मतलब होता है एनलार्जमेंट,
इनलार्जमेंट का मतलब समझ में आ गया, बढ़ना। तो इस तरीके से इसमें ग्रोथ होती है कि इसका साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ने की वजह से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और इससे कोई बीमारी नहीं बनती है, इसका मतलब ये है। ठीक है, समझ में आया? तो ये डाउट क्लियर हो गया। ये प्रोस्टेट कैंसर एंड बिनाइन मतलब BPH बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया दोनों ही डिफरेंट हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसका जो डायग्नोसिस है वो कैसे होता है, मतलब डॉक्टर कैसे पहचानता है? तो एक तो बहुत सारे इसके टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, यूरिन टेस्ट भी किया जाता है। अब यूरिन एक ऐसी मशीन होती है जहाँ पे उनको यूरिन करवा के देखा जाता है, जो पेशेंट होता है उसके बेसिस पे देखा जाता है कि उनकी स्पीड क्या है। ठीक है, मशीन में ये कैलकुलेट किया जाता है कि उसकी स्पीड किस स्पीड से यूरिन फ्लो कर रहा है, तो उसके बेसिस पे पता लगाया जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि इसकी जो प्रोस्टेट है वो एनलार्ज हो गई है या नहीं। अब आप इस पिक्चर को देखिए, आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें जो जो हम बोल सकते हैं रेक्टम है, ठीक है, एनस के थ्रू फिंगर को अंदर डाला जाता है जो पेशेंट होता है उसके, एंड ये चेक किया जाता है क्योंकि पीछे वाले साइड में उसका साइज अगर बड़ा होगा तो फिंगर टच होगी। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कुछ मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है, राइट। तो रेक्टम की तरफ अगर वो प्रोजेक्ट हो रखी है प्रोस्टेट, तो इससे पता लगाया जाता है फिंगर की हेल्प से भी कि इसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरीके के इसके टेस्ट हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होगा, मोस्टली इसका दवाइयों से भी किया जाता है, बट बहुत ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है वो होता है सर्जरी। ठीक है, ज़्यादातर सर्जरी ही इसकी की जाती है। अगर ये स्टेजेस के ऊपर, स्टेज तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। कंडीशन देखते हैं कि किस कंडीशन में है, कितने सारे सिम्टम्स को फेस कर रहा है कोई भी जो पेशेंट है वो, तो उसके बेसिस पे ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसका सर्जरी की जाती है। ठीक है, सर्जरी के थ्रू क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू इसको हटा दिया जाता है, जो ये होती है उसको हटा दिया जाता है। ओके, एंड उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ वो जी सकता है। इसका एक कारण और ये माना जाता है कि किसी किसी में अगर जो टेस्टिस हैं, अगर उनको मतलब पहले निकाल दिया जाता है किसी भी वजह से, मेल की अगर टेस्टिस को निकाल दिया जाता है, तो हो सकता है उसको आगे जाके प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाए। ठीक है, तो आई होप आज आपकी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज मुझे बताइएगा। अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है, एक मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी आपको आपके घर में कोई बड़ा है, कोई अंकल है, दादाजी हैं, जो भी हैं, तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसको सीरियस लीजिए, उनको डॉक्टर के पास लेके जाइए एंड उनका सही टाइम पे एक अच्छा इलाज करवाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।